हेलो एवरीवन, आज हम ना अपने पुराने किचन में सामान मैंने जबरदस्ती बोल बोल के उनको वापस दरवा लिया है। तो मतलब लड़ाई कर करके बहुत दिनों से पीछे पड़ी हुई थी, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने गुस्से में सब चेंज कर रहे हैं किचन का सामान। ये तुम क्या सोच रहे थे व्लॉग नहीं बनाऊंगी? जब उधर शिफ्ट किया था तो मैं ब्लॉग में वहां भी बनाया था। किसमें? आप यूट्यूब के? हाँ अभी खोल के देखा, देख लो 408 के। अच्छा मैंने बाहर पे देखो। हाँ हाँ आ जाए शेविंग करवा के। आते ही मैंने उनको बोला कि गैस लगाओ मेरी वापस। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत रिलैक्स। अब बहुत दिन हो गए मैं परेशान हो गई उधर किचन में। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम नहीं डरते। वैसे भी मरना है तो मरना है। वास्तु शास्त्र वाले ने बोला था भाई हमें ऐसे, हमारा ये जो उधर हमने ताम जाम कर रखा है, आपने देखा भी होगा आधी किचन इधर है आधी किचन मेरी इधर है। तो मैं 8-9 महीने हो गए कुछ हमारा सूट नहीं कर रहा है, कुछ भी हमारे फायदा नहीं मिला है। हमने जो किचन चेंज की थी कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है और मैं खुद परेशान हो गई इस काम से। अब मैंने अपनी गैस वापस यहीं पे शिफ्ट करवा ली है अपनी किचन में, यहीं पे पुराने वाली किचन में। और अब यहाँ रिलैक्स होकर कम से कम काम तो कर सकती हूँ। 1 किलोमीटर वहाँ तक दूर जाती थी बर्तन लेके खाने वाने का कुछ कुछ काम। तो पता है क्या, इतने दिनों से क्या डर रहे थे कि लोग ये क्या कहेंगे कि उधर पैसे लगा दिए पहले, अब इधर वापस ले आए। पहले तो बोल रहे थे कि वास्तु वाले ने बोला है अभी चेंज करो, नहीं तो घर में कोई दुर्घटना हो जाएगी, ये हो जाएगा। और मेरे ऊपर तो बहुत ही भारी बताया था कि ना इनके कुछ भी हो सकता है, बहुत भारी बताया था मेरे ऊपर के। मतलब और भी कुछ चीजें थी पर मैंने कुछ भी नहीं माना, मैंने सब कुछ उल्टा करना शुरू कर दिया। मेरा इतना दिमाग खराब है। वैसे मानना चाहिए वास्तु वाला जो भी है, मतलब जो मानते हैं, पर मुझे कुछ फर्क नहीं लगा तो मैंने माना नहीं है। वहां से सारा सामान अभी इधर शिफ्ट करेंगे, जो भी है मेरे बस की नहीं है। इतनी दूर से किचन से बर्तन लेके जाऊं वहां पे, फिर कुछ पानी लेके जाऊं, कभी इधर बर्तन जूठे रखने आती हूँ। परेशान हो गई बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ इन्हें पता है मन का डर है, इनको कोई भी फायदा नहीं हुआ जब से हमने किचन चेंज की। चलो हमने फरवरी में चेंज की थी किचन, सब काम कर दिया था उसके कहने से, जो जो उसने वास्तु वाले ने बोला था। उसके बाद हमारी 2 महीने बाद भैंस मर गई, काफ़ी और भी नुकसान हुआ है। तो मैं भी बीमार हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं ठीक ही रहती हूँ 24 घंटे। 3 महीने से तो आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि फेस पे इतनी एलर्जी है, कमर में पेन है, वैसे भी मेरे को दिमाग की बीमारी है और पेट में भी कुछ ना कुछ, मतलब लीवर में भी गड़बड़ रहती रहती है कुछ ना कुछ, मेरे पेट की भी गैस्ट्रो की भी मेरी दवाइयाँ चलती हैं, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिर्फ इन्होंने पता है किस वजह से आज भी क्यों नहीं चेंज कर रहे, मुश्किल से चेंज किया है कि ना पापा मम्मी आते ही कहेंगे लगा दिए पैसे, कर दिया बिरान पैसा, बस यही काम है तुम्हें, यही आता है और क्या आता है, किसी ने कैसे बका दिया वही। फिर वो पाइप तो दूसरा लग जाएगा, अभी तो ऐसा ही चला लेंगे पाइप, 1-2 दिन में चिमनी शिफ्ट करवा देना। थैंक यू। देखो लोगों की बने जो मन कहे ना वो करना चाहिए, कोई बात नहीं। जितना तुम्हारा यहाँ पे घाटा बस सब फायदा भी हो जाएगा, भगवान करेगा। हमारा उधर किचन में जितना भी मतलब लगा है पैसा जो भी है हो जाएगा, वो यूज ही हो जाएगा वो जगह, कोई बात नहीं ऐसी। पर जिस चीज में इंसान मन से ही नहीं कोई काम कर रहा है तो कैसे करेगा। अब मैं मन से ही नहीं उधर काम करती थी, मेरा मन भी दुखी रहता कि सुबह उठते ही भाग दौड़ इधर से उधर सामान ले जाना, प्याज इधर छील के ले जाओ, सब्जी इधर धो के ले जाओ, उधर जाके सब्जी छोंको। बहुत परेशान हो गई थी। सिर्फ इनको एक ही डर है कि अब दुनिया वाले इनको ये बोलेंगे लोग, भाई तूने रसोई बदल ली, पहले तूने वहां पे बदली, सब लोगों ने कहा वास्तु वाले की मानता है फलाना तकड़ा जमाने। अपने मन से चलना चाहिए, कोई भी तुम्हें कुछ करने को नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई खाने को नहीं दे रहा है, मेहनत करके तुम खा रहे हो अपने आप, ज्यादा टेंशन मत लिया करो किसी की भी। आज मैंने इनको बहुत समझाया, बहुत बहुत समझाने के बाद अब इधर किचन आई है मेरी। भगवान ने बहुत बहुत मेरा शुक्र करूंगी मैं, भगवान ने सुन ली मेरी। चाय बना दूं, हलवा खा लोगे, गाली तो खानी है पापा से, सुनना तो पड़ेगा ही तुम्हें। देख लेना तुम्हें कितने, अब इस व्लॉग को देख के भी पता है कितने लोग तुम्हें पर्सनली बोलेंगे, जो कोई भी मतलब अपने गाँव से रिश्तेदार है जो भी है क्या बोलेंगे। हाँ तेरा कमरा
हाँ तो सोइए इधर सो जाइए कोई बात नहीं। देख लो हमने ये वाली किचन चेंज कर दिया, ये ऐसे ही कर रखी थी टेम्परेरी, तो बोल रहे थे कि भाई सही लगेगा तो अपना यू अलमारी वगैरह चढ़वा लेना, सब फ्रिज व्रिज अब सब उधर ही शिफ्ट कर लेंगे सब सामान। अभी तो नैना कर देगी, नैना आई हुई है, थोड़ा बर्तन वर्तन उधर लगा देगी। देखो मैंने छोटे छोटे डिब्बे भी किधर रख रखे हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे जैसे चीनी का है, छोटे मसाले वाले हैं, वो यहाँ पे रख रखे हैं। पर फिर भी बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, अब सही है, पता नहीं क्या होगा जिंदगी का। मैंने करवा तो लिया, सुनने को भी तो बहुत मिलेगी सबसे। थैंक यू एवरीवन, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर क्यों करोगे आप, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आप शेयर करोगे, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।